हेलो, मैं कृतिका, V24 तास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। प्राची देसाई साइलेंस कैन यू हियर इट वेब सीरीज से OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है। प्राची पहली बार किसी फिल्म में पुलिस का किरदार निभाएगी। अभिनेत्री रुचा चड्ढा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट किया है। उनके ट्वीट पर फैंस काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनम कपूर को ट्रोल किया गया। सोनम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने भारत में वैक्सीन कैसे लगवाते हैं, ऐसा सवाल किया था। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने मुंबई में घर खरीद लिया। फिल्म मिशन मजनू से रश्मिका बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया। जल्दी उर्वशी इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज में नजर आने वाली है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो जॉन अब्राहम की एक्शन पैक फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में जॉन के साथ इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल अहम किरदार में नजर आएंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग 8 मार्च से शुरू हो सकती है। शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म की कास्ट ने खास पूजा की। इस फिल्म में इमरान हाशमी बतौर विलन के किरदार में नजर आएंगे। रणवीर शौरी ने कोरोना वायरस को मात दी है। रणवीर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उनके फैंस उन्हें काफी शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ऋतिक रोशन कंगना रनौत का विवाद किसी से छिपा नहीं है। अब खबर आ रही है कि कंगना की शिकायत पर IT एक्ट के तहत दर्ज मामले में ऋतिक रोशन से पूछताछ होगी। गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म युथरा में साउथ एक्ट्रेस मालविका मोहनन उनके साथ लीड रोल में नजर आएगी। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए V24 तास। धन्यवाद।